बिल्कुल शुद्ध। और थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि मैं जो है ना ये दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और मेरी जो इनकम है सैलरी है 80-90 हज़ार के आसपास है मंथली, और मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मतलब मेरा जो स्कूल में स्टूडेंट्स है वो नॉर्मल है, ब्लाइंड स्टूडेंट नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। और इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो कि आजकल हमारे लिए अवेलेबल है। और कि आरसीएम के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया, मैंने जो इनकम के लिए इसको ज्वाइन नहीं किया था, और जब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत हेल्दी प्रोडक्ट हैं, इनमें मिलावट नहीं है और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो हम लोग जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको हेल्थ कॉन्शियस तो होना ही चाहिए। लेकिन बाद में पता ये लगा कि इसमें इसके साथ एक इनकम भी जनरेट होती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि चलो साइड इनकम भी हो सकती है। और इसके अलावा मैंने जो है अपने घर में जो अपनी दुकान के बारे में जो बताना चाहूँगा कि अपने ड्राइंग रूम में ही हमने क्या किया है, इसके प्रोडक्ट लगा दिए पिछले महीने, और 10,000 रुपये का सामान हमने खरीदा। 10,000 रुपये में हमें लगभग 12.5 से 13 हज़ार MRP का सामान मिला, और इसके अलावा 8% का और डिस्काउंट हमें मिलता है उसमें। तो यानी आपने 10,000 का सामान है तो आप समझ लो 8% का डिस्काउंट है तो 9,200 का हुआ लगभग। यस, ऐसा ही होना। यस, तो ये सामान हमने लिया, और मेरा पास और मैं ये सोच रहा था कि ये सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि पहले हम थोड़े थोड़े प्रोडक्ट लेते रहे, कभी 200 के, कभी 300 के, कभी 400 के यूज कर लिए, और फिर कई कई महीने तक यूज नहीं किए, फिर कभी कभी दीदी ने रिमाइंड कराया आप प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, अच्छा फिर लेने शुरू कर दिए। क्या होता है कि समय से पहले कुछ नहीं होता, समय से पहले भाग्य भी नहीं जागता। और हमारा जो है फिर अब अचानक मेरे मन में विचार आया है, मैं प्रोडक्ट मंगाता हूँ थोड़े थोड़े, क्यों ना मैं इकट्ठे मंगा के रख लूँ। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, 10,000 रुपये के प्रोडक्ट मंगाए और अपनी दुकान का उद्घाटन किया, कि हमारे जो सीनियर्स हैं सब ने आके बहुत अच्छा हमारे साथ एंजॉय किया और एक गेट टुगेदर हुआ। और उसके बाद मैंने तो ये सोचा था प्रोडक्ट नहीं बिके, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग हमसे जो मिलने आते रहे वो कहते हैं आपने क्या लगा रखा है, तो हमने जो उनको थोड़ा बहुत बताया तो उससे वो इम्प्रेस हुए, हमने कहा हम यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसी को बता सकते हैं, किसी चीज़ को आपने यूज़ नहीं किया अगर आप उनको अगर मोटिवेट करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं पाएंगे और ना वो समझ पाएंगे। तो क्या हुआ कि हमने प्रोडक्ट यूज़ किया और उन्होंने बताया जी कह रहे ये तेल कैसा है, ये अच्छा है आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ, तो और क्या क्या इससे होता है, किस किस काम आता है, हमने बताया कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा करता है, सुबह पी लो 2 चम्मच, कहीं कट गया तो लगा लो, किसी को पिंपल्स हो जाए चेहरे पे उस पे लगा लो, सर की मसाज कर लो, किसी को दर्द हो रहा है तो गुनगुना करके मसाज कर लो, ऐसे उसमें थोड़ा पेन को मिला लो। तो ये सब चीज़ें जो हमने करके देखी, पेन को यूज़ किया हमने, देखा इतना 10 मिनट के अंदर इतना रिलीफ मिला, तो जब उनको लोगों को बताया तो, और फिर दालों के विषय में कि भाई ये ऑर्गेनिक है, देखो आप पॉलिश वाला खाते हो तो उसमें केमिकल है, तो केमिकल अगर जो है रसायन है जो निश्चित रूप से आपके शरीर को हानि पहुँचाएंगे तो उसमें कोई बात ही नहीं है। चाय है वो है आपकी अनपॉलिश्ड है तो आपको फायदा करेगी, जो ये आपके पेट में हर एक आदमी को गैस बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि दिन में 4 चाय पीता है और चार बार जो चाय पीता है तो उसमें जो कलर जो है वो केमिकल जो है जो भी उसके ऊपर जो कलर किया हुआ है वो पानी में मिल जाता है और उसको नुकसान करता है। यस, तो निश्चित रूप से क्या है कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है कंपनी के ये बिल्कुल जो है प्योर है, और ये दावा करती है कंपनी और हम भी यूज करके ये मानते हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल ही जो है शुद्ध है और हेल्दी प्रोडक्ट है। तो मैंने ये पाया कि अभी मैंने 12-13 तारीख को जो है अपनी ये जो दुकान खोली और मकसद यही था कि हम अपनी दुकान से अपना सामान लेके घर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये इस महीने तक बीतते बीतते वो सामान लगभग ख़त्म हो गया। और सही बात तो ये है, और मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, और मैं यहाँ सामान लोग कह रहे थे कि सामान चाहिए, कोई एनर्जी बीटा प्लस चाहिए, किसी को चाय चाहिए, तो मैं यहाँ सामान लेने आया था दीदी के साथ, और यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे एक सेमिनार है, तो हम सोचते हैं कई बार दूर जाना पड़ेगा तो कई बार परहेज करते हैं जाने से और समय लगेगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा है सामने ही दुकान है और उसके आगे सामने सेमिनार है, तो इससे एक पंथ दो काज हो गए। तो ये कि बहुत ही बढ़िया है, और हमने और फिर एक प्यारी सी बात अच्छी बात ये लगी कि हम जब कस्टमर और दुकानदार दोनों ही हो सकते हैं, मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदते हैं, मर्जी दुकानदार की चलती है आपकी नहीं चलती है, अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई उसके पास कस्टमर ज़्यादा है ना और लाइन भी लगी है और आप उसको सस्ता भी लेना चाहते हैं तो वो जो रेट देगा आपको वही लेना पड़ेगा, वो कहेगा जी ये जो फूड आइटम्स हैं ये फूड इस पर कोई जो है ना डिस्काउंट नहीं होता, वो जनरली नहीं होता, ना देते हैं लोग,
उतने का ही लेना पड़ेगा जितने उसने एमआरपी लिख दी, जनरली तो वही रेट पे देता है। अगर इसमें क्या है कि हमारे पास लोग आए तो हमने एमआरपी से भी कम दिया उनको, और बाकी कोई भी फूड प्रोडक्ट आप ले लो, पेस्ट ले लो या साबुन ले लो, जनरली जो है वो आपको एमआरपी पे ही देते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कोई मार्जिन नहीं है। और हमें अब इसमें समझ में आया कि इसमें मार्जिन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हमें मिल रहा है, और उसके अलावा जो है बिजनेस वैल्यू जो है आपके अकाउंट में भी आती है। और दूसरी बात ये कि कस्टमर और दुकानदार दोनों हम बन गए, और दुकान अपना सामान अपनी दुकान से ही लिया, अगर नहीं भी बिकेगा तब भी हमारे यूज में आ जाएगा, और निश्चित रूप से मैंने ये देखा कि अगर हम यूज करेंगे तो बिकेगा, क्योंकि हम सलाह रोज देते हैं लोगों को। कोई आदमी हमें मिल जाता है कि उसके पेट में गैस है या कोई दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ तो मेड भी आ रही थी एक, उसने कहा मेरे को ये प्रॉब्लम है, पेट में गैस है और ये है। मैंने उसको एक दो प्रोडक्ट बताए, उसने ले लिए, है ना। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा हम आपको भी ज्वाइन करा देते हैं इसमें, और आप भी रेगुलर प्रोडक्ट, इससे आपको एक इनकम भी जनरेट होगी, और हेल्दी प्रोडक्ट है, आपके जो घर परिवार के लोग ये यूज करेंगे, बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो बाकी मुझे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ये अपनी दुकान, तो मैं मुझे ये लगता है कि सबको खोल लेनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि अगर आप किसी कंपनी की एजेंसी लेना चाहें, तो मैंने तो लेके नहीं देखी, जानते होंगे कितनी टेढ़ी खीर है एक एजेंसी लेने के लिए, और यहाँ तो आपको 1000 में एजेंसी मिलती है सारे प्रोडक्ट की, और वहाँ तो आप लोगे ये पेन की एजेंसी, ये पेंसिल की एजेंसी, या फिर ये मतलब फलाने हजारों प्रोडक्ट हैं, इसकी एजेंसी किस किस की लोगे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं जो आपको सारे प्रोडक्ट की एजेंसी दिला दे, तो केवल जो आने वाले कल उनकी भी, और केवल अभी तक तो जो है कि जो ये कहते हैं हाँ भाई केवल चीनी और चावल को छोड़ के जो सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके डेली। अब भाई देखो अब दिन अगर आप ध्यान दो तो हर महीने आप मार्केट से जो राशन खरीदते हैं, मतलब सब्जी के अलावा सबका अलग अलग होगा, कोई 2000 का, 3000 का, 4000 का, किसका बड़ा परिवार है 5000 का भी खरीद ले, तो अगर वही वो यहाँ से खरीदेगा अपनी दुकान से ही ले लेगा और उसमें पैसे डाल देगा। हमने तो एक काम किया है, हमने एक बैग बना दिया, गुल्लक बना दी, और अपनी दुकान से सामान लेते हैं और उसका पैसा उसमें डाल देते हैं। आज क्या और बाद में उन्हें पसंद में आ गया कि हाँ भाई इसने हमें प्रॉफिट दे, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये दुकान हर एक को खोलनी चाहिए, किसी को इसका नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है, और इससे हम इस बिजनेस को और अधिक बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, एक बार बोलिए।